सो गाइस मैं सोच रहा था कि ब्रो आज से हम लोग एक न्यू सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर एंड रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पे, बिकॉज मैं बिग वीडियो बहुत ही कम अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। तो मैंने एक हार्डकोर जर्नी स्टार्ट करने का सोचा एंड मैंने एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया। बाकी तो सब कुछ सही चल रहा था, वर्ल्ड क्रिएट किया एंड मेरे को ठीक ठाक स्पॉन भी मिला, बट जो मेरे साथ एंड बोनस को आप लोग जरूर से देखना, ठीक है। तो ब्रो मेरे को जैसे स्पॉन मिला, मेरे को आगे में विलेज देखने में मिल गया। तो भाई विलेज मिला तो मैंने सोचा भाई बहुत ही ओपी लूट होगा एंड मेरा एक गोल था कि मेरे को आयरन आर्मर अपने फर्स्ट डे में बनाना है, बिकॉज मेरे को जैसे एंड ड्रैगन को बीट करना है तो मेरे को ज़्यादा दिन नहीं लगाना है एंड 100 डेज मेरे को पूरी तरह करना है। ऊपर मैं देखो मैं डे प्लेस भी ऑन कर दिया हूँ। तो जैसे विलेज मिला मैं विलेज में लूट चेक करने गया, फर्स्ट लाइब्रेरियन का हाउस चेक किया, बट उसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिला सिवाय बुक के। तो मैं आगे गया एंड मैंने सोचा एक बेड ले लेता हूँ, बिकॉज रात में विलेजर सो जाते फिर बेड नहीं मिल पाता है। तो मैंने बेड लिया एंड विलेजर के लिए वूल लगा दिया भाई एंड थोड़ा सा और आगे गया। नॉर्मली हाउस को चेक किया कि भाई कुछ चेस्ट वेस्ट मिल जाए, फूड मिल जाए, बट मेरे को अभी कुछ नहीं मिला था। एंड थोड़ा सा आगे मैं और गया तो भाई मैंने सोचा भाई होगा विलेजर तो जरूर से ब्लैक स्मिथ का हाउस होगा, तो मैं विलेज को चेक करने में बिजी हो गया भाई। बस विलेज को चेक कर रहा हूँ, लूट मिल रहा, बट लूट कहीं पे भी नहीं मिल रहा भाई, एक चेस्ट नहीं मिल रहा। तो जैसे थोड़ा सा आगे गया मेरे को आयरन गोलम जी का दर्शन हो गया एंड आगे भाई लिटरली भाई आगे मेरे को एक ब्लैक स्मिथ का हाउस मिल गया। तो मैं सोच रहा हूँ बहुत ही ओपी लूट है। तो जैसे मैं लूट चेक करने गया लिटरली मैं काफ़ी तगड़ा लूट था, जिसके मैंने बोला था मेरे को आयरन का आर्मर बनाना है। सो मेरे को 2 आयरन आर्मर यहाँ से मिल चुके थे एंड मेरे को 2 और 6 और कुछ आयरन किंगर्ड्स भी मिल चुके थे। तो सब कुछ को मैं कलेक्ट करके मैं जितने आयरन मिले तो उसको मैंने पहन लिया एंड थोड़ा सा मैं और आ गया, बट उससे पहले मैंने सोचा फर्नेंस ले लेते ब्रो, बाकी मेरे को बाद में क्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा। सो जैसे मैंने फर्नेंस लिया और सोचा चलो भाई आगे चलते, बट उससे पहले ये नल्ला विलेजर मिल गया तो उसको मैंने 2-3 भाई स्वॉर्ड फेंक के मारा एंड आगे मेरे को एक और मिला जो डॉन बन रहा था तो उसको मैंने पेल दिया भाई स्वॉर्ड से। सो विलेजर को मारने के बाद मैं और आगे गया लूट कलेक्ट करने के लिए एंड आगे मेरे को एक हाउस मिला जिसमें मेरे को ब्लास्ट फर्नेंस मिला। सो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया एंड वहाँ पे ब्रो उसका मालिक था तो मैंने उसको भी टपली दे के भाई ब्लास्ट फर्नेंस कलेक्ट किया एंड आगे और चला गया ब्रो लूट कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज भाई मेरे को पूरे विलेज को लूटना था। तो जैसे मैं आगे गया मेरे को लिटरली एक और ब्लैक स्मिथ का हाउस दिख गया, सो मैं उसकी भी लूट चेक करने चला गया। बाकी उसमें भी सेम ही लूट था एंड यहाँ पे भाई लाइब्रेरियन क्या कर रहा है भाई, इसको भी मैंने पेल दिया एंड उसका लूट भी सेम ही था, जैसे कि आयरन इनगट पिछले मिले थे सेम था एंड 2 एक लेगिंग्स एंड 1 बूट्स मिला था, बाकी सेम टू सेम है। बस हमारे पास 10 आयरन इनगट हो चुके हैं जो भी काफ़ी हमारा आयरन आर्मर बनाने के लिए, बट अभी 1-2 और चाहिए। तो मैंने सोचा आयरन गोलम को मारने चलते हैं बिकॉज उससे मेरे को मिल जाएंगे 3 या 2 आयरन तो ऑलरेडी मिल जाएंगे उससे। तो जैसे कि ब्रो मैं आयरन गोलम को मारने के लिए, तो आयरन गोलम ब्रो वहीं खड़ा है 2 घंटे से जब से स्टार्ट किया भाई वहीं पे खड़ा है यार एंड उसको मैंने एक टपली तो दे दिया बट उसके बाद मैं भाग गया बिकॉज वो पीछे लग गया था मारने के लिए, बट देखो वो अटक गया, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अटक गया, मैं उसको मारने जैसे कि ब्रो उसने मार दिया मेरे को एंड जैसे उसने मारा ना आप लोग देखोगे मेरे को लाइटनिंग का इफेक्ट आया एंड उसको भी डैमेज लगा। सो आप लोग कमेंट करके बताना ऐसा क्यों है एंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जरूर से कमेंट करके